हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रोनाउंस के बारे में, और इस पर्टिकुलर क्लास में हम देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बारे में, और समझेंगे इनके कॉन्सेप्ट्स को, और देखेंगे कि किस तरीके से कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स में, बैंकिंग एग्ज़ाम्स में और SSC एग्ज़ाम्स में इन दोनों ही प्रोनाउंस पर क्वेश्चन बनते हैं, और किस तरीके से हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज खरीद सकते हैं, test.englishadvantage.in। तो ये है रिलेटिव प्रोनाउंस, और इसके कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सेंटेंस लिखा हुआ है, दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही इज द मैन एंड द मैन टीचेज मी इंग्लिश। ठीक है, तो यदि आप इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करें, कनेक्ट करें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ही इज़ द मैन हु टीचेज मी इंग्लिश। तो हु जो है यहाँ पर, जो ये द मैन के स्थान पर आया है, और द मैन जो है वो है नाउन। ठीक है, तो इसलिए इस हु को आप प्रोनाउन बोलेंगे, और चूंकि ये कनेक्ट कर रहा है इन दोनों सेंटेंसेस को, तो इसको हम रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं, और दोनों सेंटेंसेस को यहाँ पर इसने कनेक्ट भी किया है, तो इसको आप मान सकते हैं कि ये एक प्रोनाउन भी है और एक कनेक्टर भी है, हु। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्टिव, इसका मतलब ये है कि हु जो प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, वो सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, प्रोनाउंस के केस होते हैं, तीन केस होते हैं, एक सब्जेक्टिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस और एक पजेसिव केस। तो चूंकि द मैन इसमें सब्जेक्ट के स्थान पर आया है, देखिए द मैन टीचेज मी इंग्लिश, इसमें द मैन सब्जेक्ट है, टीचेज इसमें आपका वर्ब है, मी और इंग्लिश इसमें दोनों ही ऑब्जेक्ट हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इसमें द मैन जो है वो सब्जेक्ट है, तो इसलिए हु इसमें हम बोलेंगे कि हु जो है वो इसमें सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि सब्जेक्टिव केस के नाउन के स्थान पर वो आया है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा वाला सेंटेंस देखिए, आई हैव ए सन, आई लव माई सन वेरी मच। ठीक है, यदि इस सेंटेंस को आप जोड़ेंगे, तो आप ऐसे जोड़ेंगे इसको, आई हैव ए सन हु माई लव वेरी मच। अब यहाँ पर हुम क्यों आया है, यहाँ पर हु आया है, यहाँ पर हुम क्यों आया है, ये इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर देखिए आई हैव ए सन। ठीक है, अब इस वाले सेंटेंस में देखिए, सन जो है वो ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आया, सब्जेक्ट के स्थान पर तो आई है, सन जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, तो इसलिए जब हम दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करेंगे, तो इसमें हम हुम का प्रयोग करेंगे, और सन के लिए ही हमने ये हुम का प्रयोग किया है, और चूंकि सन इसमें ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो इसलिए हमने यहाँ पर हुम लगाया है। ठीक है, तो हु जो होता है वो सब्जेक्टिव केस का रिलेटिव प्रोनाउन है, हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, और हुज जो है वो पजेसिव केस का प्रोनाउन है। जैसे आप ये वाला सेंटेंस देखिए, शी इज ए स्टूडेंट, हर पेन इज लॉस्ट। तो इसको यदि आप जोड़ते हैं, तो आप ऐसे इसको जोड़ पाएंगे, शी इज द स्टूडेंट हुज पेन इज लॉस्ट। तो यहाँ पर देखिए, हर पेन हम बोल रहे हैं, हर पेन मतलब उसका पेन, तो चूंकि यहाँ पर हम पजेशन दिखा रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हमने हुज का प्रयोग किया है, और हु जो है वो पजेसिव केस का प्रोनाउन है, हुम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, हु जो है वो सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है। तो एक तो बेसिक कॉन्सेप्ट आपने ये समझा, और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी हुई है रिलेटिव प्रोनाउन की, इट्स ए प्रोनाउन दैट रेफर्स और रिलेट्स टू सम नाउन गोइंग बिफोर विच इज कॉल्ड इट्स एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट का मतलब ये है कि जिस नाउन के लिए हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, वो उसका एंटीसीडेंट होता है, एंटीसीडेंट मतलब उसके पहले वो आता है। जैसे यहाँ पर हु जो है, हु का एंटीसीडेंट मैन है यहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रोनाउन के पहले जो नाउन आता है, उसको हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। तो रिलेटिव प्रोनाउन एक्चुअली प्रोनाउन भी है और एक कनेक्टर भी है। तो ये हैं आपके मेन मेन रिलेटिव प्रोनाउन, हु है, हु में, विच है, दैट है, वॉट है, वाई एंड हुज। तो इनको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, देखिए हु का प्रयोग हम पीपल के लिए करते हैं, पर्सन्स के लिए यूज़ करते हैं, विच का प्रयोग हम थिंग्स और एनिमल्स के लिए करते हैं, और दैट का प्रयोग हम दोनों के लिए करते हैं, दैट के कुछ सर्टेन कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस में हम दैट को प्रयोग करते हैं, तो वो हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। और इस रिलेटिव प्रोनाउन के दो पार्ट हैं, ये पार्ट वन है, पार्ट टू इसके बाद आएगा, और पार्ट टू में मैं क्वेश्चंस की एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। अब यहाँ पर आप देखें केसेस ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस, जैसे मैंने अभी बताया कि हु सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, हुम ऑब्जेक्टिव केस का, और हुज जो है वो पजेसिव केस का प्रोनाउन है। तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हुआ होगा रिलेटिव प्रोनाउन्स के कॉन्सेप्ट्स।
अब हम देखते हैं हु, देखिए हु को हम किस तरह से प्रयोग करेंगे। जैसे दिस इज द बॉय हु एक्सेल्स एवरी ईयर, यहाँ पर हमने एस लगाया है, ठीक है, क्योंकि बॉय या गर्ल जो है वो सिंगुलर है, और यहाँ पर हमने एक्सेल लगाया है क्योंकि बॉयज़ और गर्ल्स जो है वो प्लूरल हैं। तो इस तरीके से इसकी वर्ब चेंज होती है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग इसकी वर्ब चेंज होगी। अब आप यहाँ पर विच देखिए, विच हम थिंग्स और एनिमल्स के लिए यूज़ करते हैं, और इसका पजेसिव केस जो है विच का वो ऑफ विच है, ठीक है। हुज या ऑफ विच हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कुछ एग्जामिनर ऑफ विच को सही मानते हैं, हुज को सही नहीं मानते। मतलब हुज का प्रयोग केवल हम पर्संस के लिए ही करते हैं। और यहाँ पर आप देखें, दिस इज द हाउस बिलोंग टू माई ब्रदर। अब द हाउस एक नॉन लिविंग थिंग है और इसको हमने विच से जोड़ा है, और द हाउस सब्जेक्ट के स्थान पर यूज हुआ है, इसलिए विच जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसको हम बोलेंगे कि विच जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस के नाउन के स्थान पर यूज़ हुआ है। तो इस कॉन्सेप्ट को आपको क्लियरली समझना है। और आप यहाँ पर आप देखें, दिस इज़ द हाउस माई अंकल बिल्ड दिस हाउस, तो इसमें जो द हाउस है ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर आया है, इसलिए इसमें विच जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव केस में होगा। और इस सेंटेंस को और देखते हैं, दिस इज़ द क्वेश्चन हुज सॉल्यूशन हैज़ बैफल्ड मैनी साइंटिस्ट। मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके जिसके सॉल्यूशन ने काफ़ी साइंटिस्ट को बैफल कर दिया, पजल कर दिया, कन्फ्यूज कर दिया है, ठीक है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन द सॉल्यूशन ऑफ विच हैज़ बैफल्ड मैनी मैनी साइंटिस्ट। तो यहाँ पर मैंने हुज भी लगाया है और यहाँ पर मैंने द सॉल्यूशन ऑफ विच लगाया है, तो नीचे वाला जो सेंटेंस है ये मोर प्रॉपर है या मोर करेक्ट है, क्योंकि हुज का प्रयोग हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं करते, कुछ एग्जामिनर ऐसा मानते हैं, ठीक है। तो इसलिए करेंट सिचुएशन में जो नीचे वाला जो सेंटेंस है द सॉल्यूशन ऑफ विच, हुज की जगह इसमें मैंने प्रयोग किया है द सॉल्यूशन ऑफ विच, उसको सही माना जाएगा। दैट के देखते हैं दैट किस तरह से यूज होता है। दैट हैज़ द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, इसकी सेम फॉर्म रहती है सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस में, और जो जो प्रपोजिशन होता है वो कभी भी इसके पहले नहीं आता। जैसे विच के पहले आता है ऑफ विच, लेकिन दैट के साथ नहीं, दैट के साथ हम हमेशा एंड में लगाते हैं प्रपोजिशन को। जैसे दिस इज़ द बॉय दैट आई टोल्ड यू ऑफ, तो ऑफ को इसमें हमने एंड में लगाया है। आई नो द हाउस दैट ही लिव्स इन, लेकिन दैट के स्थान पर यहाँ पर यदि आप विच लगाते तो आप बोल सकते थे कि इन विच ही लिव्स या विच ही लिव्स इन, लेकिन दैट के साथ ये एंड में जाएगा। तो एक ये कॉन्सेप्ट भी आपको समझना है। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, एनीथिंग के साथ हम हमेशा दैट लगाते हैं, ठीक है। व्हाट का क्या प्रयोग है, रिलेटिव प्रोनाउन व्हाट इज यूज्ड ओनली इन द सिंगुलर, व्हाट का प्रयोग हम केवल सिंगुलर सेंस में करते हैं, और इसका सेम फॉर्म है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में। व्हाट के पहले हम कभी भी दैट नहीं लगाते, क्योंकि व्हाट का मतलब होता है दैट विच या द थिंग विच, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा अच्छी तरह से समझिए, वॉट के साथ हम कभी भी दैट नहीं लगाएंगे, क्योंकि वॉट में पहले से ही लिखा हुआ है दैट विच या द थिंग विच, ठीक है। तो इसको आप अच्छी तरह से समझिए, और इसके देखिए सेंटेंस एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, वॉट हैज हैपेंड इन द पास्ट डू नॉट कंसर्न अस, मतलब जो कुछ पास्ट में हुआ है वो हमको कंसर्न नहीं करता, उससे हमारा मतलब नहीं है। ये सेंटेंस गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि जो चीज़ पास्ट में हुई है वो एक सिंगुलर एक्टिविटी है, वो एक सिंगल चीज़ है वो, तो इसलिए यहाँ पर हम यहाँ पर डू नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे डज नॉट, ठीक है। व्हाट हैज हैपेंड इन द पास्ट डज नॉट कंसर्न अस, तो सेकंड वाले सेंटेंस भी इनकरेक्ट है। सेकंड वाला सेंटेंस इसलिए इनकरेक्ट है क्योंकि यहाँ पर आपने डज नॉट तो लगा दिया है, लेकिन कंसर्न में भी एस लगा दिया है, ठीक है। तो डज नॉट के साथ कभी एस नहीं लगता, इसलिए नीचे वाला सेंटेंस में डज नॉट भी है और कंसर्न में एस भी नहीं है, तो इसलिए नीचे वाला सेंटेंस पूरे तरीके से करेक्ट है। यहां पर अब इसको देखें आप, आई से दैट व्हाट आई मीन, मैंने अभी बताया था आपको कि व्हाट का मतलब है द थिंग विच या दैट विच, तो इसलिए दैट व्हाट के पहले जो दैट लगा हुआ है ये गलत है, और इसलिए सेंटेंस को इनकरेक्ट कहा गया है। और यहां पर आप देखें, आई से व्हाट आई मीन, ये सेंटेंस करेक्ट है, और ही फेल्ड इन What he attempted, तो ये भी सेंटेंस आपका करेक्ट है। आई मीन दैट वॉट आई से, वॉट के पहले दैट लगा दिया है, ये गलत है। सही सेंटेंस होगा आई मीन वॉट आई से, ठीक है। विच रिलेटिव प्रोनाउन टू यूज, यहां पर हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। हु को हम पर्सन्स के लिए यूज करते हैं,
विच को हम थिंग्स और एनिमल के लिए यूज़ करते हैं, हुज़ को हम पर्संस, थिंग्स और एनिमल्स तीनों के साथ हम यूज़ करते हैं. ये सेंटेंस एग्जाम्पल दिए हैं, द मैन हु इज़ ऑनेस्ट इज ट्रस्टेड, द मैन हु आर ऑनेस्ट आर ट्रस्टेड. काफ़ी सारे एग्जाम्पल सेंटेंस मैंने इसलिए दिए हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए कॉन्सेप्ट. और एक ये हॉर्स का मैंने एग्जाम्पल दिया है, एनिमल के साथ हम विच लगाएंगे, द हॉर्स विच आई रिसेंटली बॉट इज एन अरब. ठीक है, विच में ऑल्सो रेफर टू ए सेंटेंस, मतलब विच का प्रयोग हम सेंटेंस को, सेंटेंस का रेफरेंस देने के लिए भी कर सकते हैं. जैसे यहां पर आप देखें, द मैन वॉज सेड टू बी ड्रंक विच वॉज नॉट द केस. ठीक है, मतलब उस व्यक्ति के बारे में कहा गया कि वह ड्रंक था, मतलब उसने शराब पी हुई थी, जो कि सही नहीं था. तो यहाँ पर हमने विच के थ्रू पूरे सेंटेंस को रेफर किया है. ठीक है, तो ये सही है, इस तरीके से आप कर सकते हैं. डिफाइनिंग एंड नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस क्या होते हैं, ये काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है. देखिए, डिफाइन जब एक सेंटेंस में एक नाउन है और आपको लगता है वो नाउन एक से ज़्यादा है, तो आप किस पर्टिकुलर नाउन को रेफर कर रहे हैं, किस पर्टिकुलर नाउन के बारे में आप बता रहे हैं, उसको आपको डिफाइन करना होगा, उसको आपको डिस्टिंग्विश करना होगा. ठीक है, तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं डिफाइनिंग क्लॉज या नॉन डिफाइनिंग क्लॉज. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस में आप राम की बात कर रहे हैं और राम जो है वो तीन हैं, तीन राम हैं, तो आपको बताना होगा कि किस राम की आप बात कर रहे हैं. ठीक है, उसको आपको डिस्टिंग्विश करना होगा. अब यहाँ पर देखिए सेंटेंसेज ये समझ में आ जाएगा, वी यूज डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज टू गिव एसेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट समवन और समथिंग. व्हेन देर आर मोर देन वन थिंग और पर्सन, वी नीड टू डिफाइन और डिस्टिंग्विश द पर्टिकुलर वन. ठीक है, एक ही नाम के कई सारे व्यक्ति या वस्तु हैं, तो उसमें से किसको आप रेफर कर रहे हैं, किसके बारे में आप बोल रहे हैं, उसको बताने के लिए आपको उसको डिस्टिंग्विश करना होगा. और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस में ऐसा नहीं होता. नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेस का यूज तब होता है जब एक ही व्यक्ति होता है, तो जब एक ही व्यक्ति है तो उसको आपको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है. ठीक है, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देनी होगी और उसके लिए आपको नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का प्रयोग करना होगा. जैसे ये एग्जाम्पल देखिए, माई सिस्टर हु इज़ ए डॉक्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका. ठीक है, तो यहाँ पर आपने कॉमा नहीं लगाया, इसका मतलब आपने इस सिस्टर को डिस्टिंग्विश किया है, डिफाइन किया है. माई सिस्टर हु इज़ ए डॉक्टर हैज़ गॉन टू अमेरिका, मतलब उसकी सिस्टर कई सारी हैं, लेकिन वो सिस्टर जो डॉक्टर है, सारी सिस्टर डॉक्टर नहीं है, एक सिस्टर डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो वो सिस्टर जो डॉक्टर है वो अमेरिका गई है. ठीक है, तो ये हु के बाद जो सेंटेंस लिखा हुआ है, हु हैज़ गॉन टू अमेरिका, इसको हम बोलेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. हम इस सिस्टर को डिफाइन कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि कौन सी सिस्टर की आप बात कर रहे हैं, वो सिस्टर जो डॉक्टर है, या वो सिस्टर जो इंजीनियर है, या वो सिस्टर जो CA है. ठीक है, तो चूंकि आपने यहां पर कॉमा नहीं लगाया, इसका मतलब है कि आप इस सिस्टर को डिफाइन कर रहे हैं, डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, और इस वाले पार्ट को आप बोलेंगे डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉज. और नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, आपने कॉमा लगा के इसको सिस्टर से अलग किया हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक ही सिस्टर है, और एक ही सिस्टर जो है वो डॉक्टर है और वो अमेरिका गई है. तो यहाँ पर आपने ये कॉमा लगाया है, कॉमे लगाने का मतलब ये है कि आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस सिस्टर के बारे में दे रहे हैं, आप डिफाइन या डिस्टिंग्विश उसको नहीं कर रहे हैं. तो नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज में हम कॉमा का प्रयोग करते हैं, डिफाइनिंग क्लॉजेज में हम कॉमा का प्रयोग नहीं करते. तो हु का प्रयोग दोनों ही जगह होता है, डिफाइनिंग में भी और नॉन डिफाइनिंग में, लेकिन नॉन डिफाइनिंग में हम कॉमा लगाते हैं, दैट का प्रयोग केवल डिफाइनिंग क्लॉजेज में ही होता है. तो मुझे उम्मीद है ये डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. और यहाँ आगे हम कुछ देखते हैं, इन स्पोकन इंग्लिश वी यूजली यूज दैट. स्पोकन इंग्लिश में हम दैट का प्रयोग करते हैं हु के स्थान पर. और यदि ऑब्जेक्टिव केस में है रिलेटिव प्रोनाउन, तो उसको हम नॉर्मली छोड़ देते हैं, पर्टिकुलरली स्पोकन इंग्लिश में. जैसे यहाँ पर आप सेंटेंस देखिए, दे आर द पीपल हुम शी मेट एट द पार्टी. तो इस हुम को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है. यहाँ पर देखिए, दिस इज अ मैन हु टेक्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली. ठीक है, तो ये डिफाइनिंग क्लॉज का यहाँ पर आपने प्रयोग किया है, क्योंकि मैन तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन ये वो मैन है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीरियसली लेता है.
और इसको यदि आप नॉन डिफाइनिंग की तरह लिखेंगे, यदि आप कॉमा लगा देंगे, तो इसका मतलब होगा कि एक ही मैन है पूरे संसार में, एक ही मैन है, जो कि गलत होगा। तो इसलिए ये वाला जो सेंटेंस है नीचे वाला, इसको इनकरेक्ट माना गया है या इनकरेक्ट है ये। दैट इज यूज ओनली इन डिफाइनिंग क्लॉजेस। दैट का प्रयोग केवल हम डिफाइनिंग क्लॉजेस में करेंगे। अ सिटी दैट इज सेट ऑन ए हिल हिल कैन नॉट बी हिड। ठीक है, तो सिटी तो काफ़ी सारी हैं, लेकिन हम ऐसी सिटी के बारे में बोल रहे हैं जो कि हिल पर है, जो कि पहाड़ी पर है। तो ये सेंटेंस आपका यहाँ पर ये सही है। अब यहाँ पर देखिए, सी द इनकरेक्ट इन करेक्ट सेंटेंसेस। माई फादर दैट इज ए स्कूल मास्टर इज 50 years old। यहाँ पर ये इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आपने ये दैट लगा दिया है, और दैट का प्रयोग हम डिफाइनिंग क्लॉज में करते हैं। डिफाइनिंग क्लॉज का मतलब है कि एक से ज़्यादा नाउन हैं, तभी तो आप डिफाइन करेंगे उसको, अदरवाइज क्यों डिफाइन करेंगे। तो माय फादर के साथ दैट नहीं लगा सकते, क्योंकि फादर एक ही होते हैं। ठीक है, तो फादर के साथ दैट लगाना ये गलत है। फादर के साथ आप इस तरीके से लगाएंगे, हु लगाएंगे और कॉमा लगाएंगे, क्योंकि फादर एक ही है, तो इसलिए इसके साथ आप नॉन डिफाइनिंग क्लॉज का प्रयोग करेंगे। सिस्टर के साथ कर सकते हैं आप, जैसे सिस्टर के साथ ये वाला किया हुआ है, माई सिस्टर दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय माई अंकल इज इल। ये करेक्ट है, क्योंकि सिस्टर एक से ज़्यादा हो सकती हैं और उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। तो ये सेंटेंस आपका सही है। दैट इज ऑल्सो यूज टू रिप्लेस ऑन विच, एट विच, इन विच। ठीक है, ऑन विच यदि आपको दिखाना है, एट विच या इन विच, इन तीनों वर्ड कॉम्बिनेशंस के स्थान पर आप दैट का प्रयोग करेक्टली कर सकते हैं। जैसे आई रिमेंबर द डे ऑन विच शी केम, मतलब मुझे वो दिन याद है जिस दिन वो आई थी। या आप बोल सकते हैं आई रिमेंबर द डे दैट शी केम। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है। इसका मतलब ऑन विच, एट विच या इन विच के स्थान पर आप दैट का प्रयोग करेक्टली कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं, दैट इज यूज्ड आफ्टर द वर्ड्स लाइक, मतलब ये जो वर्ड यहां पर दिए हैं, ऑल, सेम, एनी, नन, नथिंग, द ओनली, इन सभी शब्दों के साथ आप केवल दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर ये दैट का प्रयोग सही है। ठीक है, ही इज नॉट द सेम मैन दैट ही हैज बीन। तो यहां पर आप दैट के साथ विच लगा देंगे तो वो गलत हो जाएगा। इट वॉज नॉट फॉर नथिंग, नथिंग के साथ दैट आएगा। ठीक है, दैट ही स्टडीज फिजिक्स। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, क्योंकि नथिंग के साथ आपने दैट लगाया है, यहां पर सेम मैन के साथ आपने दैट लगाया है। ठीक है, यहां पर आपने ऑल था एक्चुअली, ये ऑल के साथ दैट लगाया। तो ये तीनों सेंटेंस आपका ये करेक्ट हैं। इसके बाद आगे देखिए, दैट इज यूज्ड आफ्टर इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटरोगेटिव प्रोनाउन के बाद हु और वॉट के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं, ताकि जो डब्ल्यू एच जो साउंड है वो रिपीट ना हो। जैसे वॉट इज इट दैट ट्रबल्स यू सो मच, मतलब ऐसा क्या है जिससे आपको इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो यदि आप यहाँ पर दैट के स्थान पर रिलेटिव प्रोनाउन विच लगा दें, तो वो थोड़ा सा डब्ल्यू एच जो साउंड है वो रिपीट होने लगेगी। वॉट इज इट विच ट्रबल्स यू, इस तरह से हो जाएगा, थोड़ा सा ऑड लगेगा वो। तो इसलिए रिलेटिव प्रोनाउन इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस के बाद हम दैट का प्रयोग करते हैं। ये सेंटेंसेस आप देख सकते हैं। और यदि नाउन में एक लिविंग बीइंग है और एक नॉन लिविंग बीइंग है, तो उस सिचुएशन में भी हम दैट का प्रयोग करेंगे। क्योंकि यदि आप हु लगा देंगे आप, तो वो केवल पर्सन पर अप्लाई होगा। विच आप लगा देंगे तो वो केवल नॉन लिविंग थिंग पर अप्लाई होगा, लेकिन दैट आप लगा देंगे तो वो दोनों पर अप्लाई हो जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ये वाला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4। इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िए और इसको आप अच्छे तरह से समझें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और व्हाट का मैं तो आपको समझा चुका हूँ, ये यहाँ पर मैंने एक बार और लिख दिया है ताकि आपका अच्छे तरीके से रिविज़न हो जाए। और व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी इंड्योर्ड। व्हाट का मतलब क्या है? वॉट का मतलब है दैट विच या द थिंग विच। वॉट इज डन कैन नॉट बी अनडन, जो हो चुका है उसको अनडन नहीं किया जा सकता। सेम और सेम दैट का यहाँ पर मैंने डिफरेंस बताया है। सेम एज का मतलब है उसी तरह की कोई दूसरी चीज़, जबकि सेम दैट का मतलब है वन एंड ओनली, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आई हैव द सेम बुक एज योर्स, मतलब मेरे पास वही किताब है, उसी तरह की किताब है जैसी किताब आपके पास है। तो सेम काइंड को दिखाने के लिए हम सेम एज लगाते हैं, और वन एंड ओनली को दिखाने के लिए हम सेम दैट लगाते हैं।
तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं सारे सेंटेंसेस। और द वर्ड बट आफ्टर नन इज इक्विवेलेंट टू हु नॉट एंड विच नॉट। जैसे यहाँ पर बट लगा है नन के बाद, ठीक है, ये बट लगा है नन के बाद, तो इसका मतलब क्या होता है, हु नॉट और विच नॉट। तो इस कॉन्सेप्ट पर काफ़ी सेंटेंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है देयर इज़ नन बट विल एग्री विथ मी, तो इसका मतलब, इसका सेंटेंस का मतलब हुआ देयर इज नन हु विल नॉट एग्री विद मी, मतलब बट के स्थान पर आपने हु भी लगा दिया और नॉट भी लगा दिया, और ये सेंटेंस आपका इस तरीके से सही हो गया। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ कि दैट को आप छोड़ सकते हैं, यदि ऑब्जेक्टिव केस में है तो इसको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट मैंने आपको रिलेटिव प्रोनाउन का इसमें बताया है। नेक्स्ट पार्ट में आपको पार्ट टू में बताऊंगा, और यहाँ पर इस वीडियो क्लास के बारे में आप फीडबैक अपना ज़रूर दें, डेफिनेटली मैं अप्रिशिएट करूँगा उसको। और यहाँ से आप टेस्ट सीरीज़ खरीद सकते हैं, test.englishadvantage.in। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।